हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड स्टडी में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ मैथ का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसे हम इंग्लिश में इनवर्स त्रिकोणमिति मैट्रिक फंक्शन कहते हैं। इसकी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स -1/2। इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो आंसर, जब भी एक फॉर्मूला होता है कि जब भी साइन इनवर्स माइनस में हो तो माइनस जो आगे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इस फॉर्मूले के अनुसार करेंगे हम, तो आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन पाई बाई 6 का। तो हम आगे करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स कोष्टक में साइन एक्स। तो इसका जो आंसर आएगा इस फॉर्मूले का वो होता है सिर्फ एक्स, इसी के अनुसार ये फॉर्मूला बन रहा है। तो इसमें एक्स क्या है, पाई अपॉन 6। तो माइनस माइनस तो सेम रहेगा, एक्स कितना है, पाई अपॉन 6। अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। तो इसका आंसर करेंगे हम, ये तो सिंपल सा है, कॉस इनवर्स कॉस में √3/2 किसका मान होता है, ये हमारा होता है कॉस π/6 का। फॉर्मूले का एक फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स में कॉस π/6 एक्स का मान कितना है, π/6। तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा, π/6। अतः कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2 का मुख्य मान π/6 है। क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2, इसका आंसर करेंगे हम। सिंपल सा है, कोसेक में 2 किसका मान होता है, कोसेक इनवर्स कॉस π/6 का। यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर होगा एक्स के, कितना आ जाएगा आंसर, π/6। अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। क्वेश्चन नंबर 4, टेन इनवर्स कोष्टक में -√3, तो इसका आंसर है करेंगे हम, इसलिए हम अंदर माइनस है तो माइनस को हम बाहर ले लेंगे, टेन इनवर्स ये रह जाएगी √3। टेन में √3 किसका मान होता है, माइनस टेन इनवर्स टेन π/3 का। फॉर्मूला, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो माइनस एक्स आएगा सिर्फ, एक्स कितना है, π/3। अतः टेन इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, तो इसका आंसर करेंगे हम। अब एक बात जब भी आप ध्यान रखना कि कॉस अगर माइनस में हो तो इसका अलग फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस अगर हो तो पाई माइनस
कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके अनुसार इसको हल करेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स जगह क्या आ जाएगा, 1/2। पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस हमारा 1/2 किसका मान होता है, कॉस पाई बाई 3 का। पाई माइनस इसका मान कितना हो जाएगा, पाई माइनस 3। इसका मान पाई बाई 3 कैसे हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इजिकल टू एक्स, ठीक है। एक्स क्या हमारे पाई अपॉन 3। इसको हल करेंगे, नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका 3 आ गया, पाई उतारी ऊपर से, मल्टीप्लिकेशन लगाया, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 बार, माइनस फिर ऊपर से पाई लिखी नीचे, मल्टीप्लिकेशन लगाया, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 3 का पाई मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3। 3 पाई में से पाई गया तो कितने बचा, कुछ नहीं, तो 1 मान लेंगे, 3 पाई में से 1 पाई गया कितने बचेंगे, 2 पाई अपॉन 3। अतः कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/2 का मुख्य मान 2 पाई अपॉन 3 है। क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1, इसका मान निकालेंगे हम। अगर माइनस होता है तो उसे आगे लिखते हैं, मैंने बताया माइनस टेन इनवर्स 1। टेन में 1 किसका मान होता है, टेन इनवर्स, टेन में होता है 10 पाई बाई 4 का, माइनस टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 का मान कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। कैसे हो गया, ये एक फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 10 एक्स इजिकल टू होता है एक्स, ठीक है। अतः टेन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1 का मुख्य मान माइनस 5/4 है। क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स ब्रैकेट में 2/√3, इसका मान निकालेंगे हम। तो sec इनवर्स सिंपल सा है, sec में 2/√3 किसका मान होता है, ये होता है sec पाई बाई 6 का। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा लेंगे, sec इनवर्स sec x इजिकल टू एक्स, तो कितना आएगा पाई बाई 6, ये इसका आंसर होगा। हम लिख देंगे sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई बाई 6 है। क्वेश्चन नंबर 8, cot इनवर्स ब्रैकेट में √3, इसका मान निकालेंगे हम। सिंपल सा है, cot इनवर्स cot में √3 किसका मान होता है, ये होता है cot पाई बाई 6 का। फॉर्मूला लगा लेंगे, cot इनवर्स cot x इजिकल टू एक्स, कितना आ जाएगा पाई बाई 6, ये इसका आंसर है, यहाँ लिख भी देंगे। अतः cot इनवर्स ब्रैकेट में √3 का मुख्य मान पाई बाई 6 है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1/√2, इसका आंसर हम निकालेंगे। कॉस माइनस में है तो इसका अलग फॉर्मूला होता है, मैंने बताया भी है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसके अनुसार हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1/√2 किसका मान होता है, कॉस पाई बाई 4 का, पाई माइनस यहाँ पाई बाई 4 आ जाएगा, कैसे आया, फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इजिकल टू
एक्स, नीचे वन मान लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, फोर आ गया, ऊपर से पाई नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई चिन्ह लगाएंगे, वन से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, फोर बार, माइनस चिन्ह लगाएंगे, ऊपर से पाई ऊपर नीचे लिखेंगे, फोर से फोर को डिवाइड करेंगे वन बार, पाई का फोर मल्टीप्लाई फोर पाई माइनस पाई अपॉन फोर, फोर पाई में से पाई गए तो थ्री पाई अपॉन फोर, अतः कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू का मुख्य मान थ्री पाई बाई फोर। क्वेश्चन नंबर टेन, कोसेक इनवर्स ब्रैकेट ऑफ माइनस रूट दो, इसका आंसर माइनस है माइनस को आगे ले लेंगे, कोसेक इनवर्स रूट टू, कोसेक इनवर्स, कोसेक में रूट टू किसका मान होता है, ये होता है कोसेक पाई बाई फोर का, पाई बाई फोर आ गया, इसकी जगह पाई बाई फोर कैसे आया, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, कोसेक इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारा आंसर है, अतः कोसेक इनवर्स रूट टू का मान माइनस पाई अपॉन फोर है। नंबर 11, टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू, तो इसका आंसर टेन, टेन में वन वैल्यू किसकी होती है, टेन पाई बाई फोर की, प्लस कॉस में माइनस का आ रहा है, तो मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया कि फॉर्मूला बताया इसका, पाई माइनस कॉस इनवर्स वन अपॉन टू, प्लस इसमें माइनस है आगे तो माइनस आगे ले लेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन अपॉन टू, इसकी जगह पाई बाई फोर आ जाएगा, मैंने पिछले सवालों में इसका सूत्र बताया है, प्लस पाई माइनस कॉस में वन अपॉन टू किसका मान होता है, ये होता है कॉस पाई बाई थ्री का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन में वन अपॉन टू किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई सिक्स की, पाई बाई फोर प्लस पाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस पाई बाई थ्री माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई सिक्स, इसके नीचे वन मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ट्वेल्व आएगा, ऊपर से पाई उतारेंगे, मल्टीप्लाई चिन्ह लगाएंगे, फोर से ट्वेल्व को डिवाइड करेंगे थ्री बढ़ जाएगा, प्लस को यहाँ लिखेंगे, पाई माइनस ट्वेल्व माइनस पाई मल्टीप्लाई फोर माइनस पाई मल्टीप्लाई बाई टू, मल्टीप्लाई करेंगे थ्री पाई प्लस ट्वेल्व पाई माइनस फोर पाई माइनस टू पाई अपॉन टू, इनका कैलकुलेशन करके ट्वेल्व नाइन पाई आएगा अपॉन ट्वेल्व, थ्री से काट देंगे थ्री थ्री या नाइन थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, थ्री पाई अपॉन फोर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, कॉस इनवर्स वन अपॉन टू प्लस टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू, इसका आंसर देखो, कॉस में माइनस माइनस का नहीं है तो सिंपल सा कॉस इनवर्स कॉस वन अपॉन टू किसकी वैल्यू होती है, ये होती है कॉस पाई बाई थ्री की, प्लस टू साइन इनवर्स माइन वन अपॉन टू किसकी वैल्यू होती है साइन में, ये होती है आपकी पाई बाई सिक्स की, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई थ्री, प्लस इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई सिक्स, पाई बाई थ्री प्लस टू पाई अपॉन सिक्स, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा सिक्स, ऊपर आएगा टू पाई प्लस टू पाई इक्वल टू फोर पाई अपॉन सिक्स, कैलकुलेशन करेंगे तो टू पाई अपॉन थ्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो इसका आंसर देखो, हम एक्स बराबर
साइन वाई कह सकते हैं, जहां हम एक्स का मान -1, 1 लेने पर तब जो एक्स का मान होगा वो छोटा होगा वाई से, और वाई छोटा होगा और बराबर होगा पाई बाई 2 से। ये इसका आंसर है और आपकी बुक में इसका आंसर बी है। क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10 inverse √3 - sec inverse - 2। तो इसका आंसर देखिए आप, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 10 inverse √3, 10 की वैल्यू किसकी होती है पाई बाई 3 की, माइनस sec माइनस का होता है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस sec इनवर्स 2। 10 inverse, इनकी जगह किसका मान आ जाएगा पाई बाई 3। मैं पिछले सवालों में बताया इसका फॉर्मूला, माइनस पाई sec इनवर्स, sec में 2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है sec पाई बाई 3 की। पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 3। नीचे 1 मान लेंगे, सॉल्व करेंगे, पाई अपॉन 3 माइनस 3 पाई माइनस से पाई गए 2 पाई अपॉन 3, नीचे 3 आ गया, पाई माइनस 2 पाई माइनस के पाई अपॉन 3। तो इसका आंसर माइनस पाई अपॉन 3 है। आपकी बुक में इसका आंसर बी है। धन्यवाद।